अरे सर वॉलंटियर कोई नहीं है ना महिला, तब महिला वॉलंटियर कहाँ रहेगा, रहना चाहिए। जड़ी बूटी है, एक पालक का बीज है। मालूम है कि 21 साल हो गया है लड़कियों के लिए भी, लड़कियों लोग नहीं मालूम। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के तरफ से इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है हम महिलाओं के लिए भी, जैसे बाल विवाह दहेज उत्पीड़न के लिए शिकायत कहाँ पे किया जाए इसकी भी जानकारी दी गई है। तो और महिलाओं के लिए या उनके विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जैसे महिला बाल विकास का क्राफ्ट शॉप है, यानी जो कलाएँ बनाई गई हैं वो है उनके लिए। महिला बाल विकास निगम का चर्म शिल्प है, यानी कि चमड़ा से बनाए गए वस्तु हैं। अच्छा, ये सब चमड़ा से बने हुए हैं, हैं? आप नहीं हैं, मिला जुला है। अच्छा, इसका रेंज कितना से कितना तक है? 300, सब 300। अच्छा, मिनिमम रेंज कितना है, कम से कम कितना? हाँ बोलिए। तो इसका 250 से ऊपर कितने तक है? 250 का है, 350 का। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? बिहार से। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका हथकरघा वस्त्र उद्योग महिलाओं के लिए, महिला बाल विकास विभाग का। ये सब क्या सर, खादी है? हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या है आपका, क्या क्या है इसमें प्रोडक्ट? हमारा इसमें कोता का कपड़ा है, शर्ट का कपड़ा है, बैट का कपड़ा है, गमछी है, लुंगी है, तौलिया है। अच्छा, गमछी का क्या रेंज है? गमछी का 100 रुपये। 100 रुपये से? 100 एक 50 का है, 100 का है, एक 125 है, 150 है, या जैसे क्वालिटी वैसे रेट। जैसे क्वालिटी। हाँ। खादी का है या और? अच्छा, ओनली खाली खादी। अच्छा, कहाँ पे बना है ये? भागलपुर बना है। भागलपुर? हाँ, भागलपुर तो सिल्क उद्योग के लिए मशहूर है। अच्छा, हाँ, भागलपुर जो है टाउन जो है सिल्क उद्योग के लिए मशहूर है। भागलपुर में जो है गंगा के इस पार जो है नवगछिया सब डिवीजन थाना खरीक लगता है, मिर्जाफरी खादी नगरी मिर्जाफरी से जाना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना रेंज से कितना तक है कपड़ा अगर? 120 से लेके जो है ना 360 तक है ये खादी में, उसके बाद हाँ पर मीटर, और फिर जो है लीलन हो जाएगा आदर व सभी सब कपड़ा है आपके पास। चलिए, महिला बाल विकास के बारे में बताया गया है कि विकास कैसे हो, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि गांव का जो माहौल है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या भाई साहब, क्या दिखा रहे हैं आप लोग, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? बाल विवाह के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि बाल विवाह कैसे रोका जाए। अच्छा। हाँ, और मैंने लड़कियों और औरतों को जागरूक किया जा रहा है कि बाल विवाह को कैसे रोका जाए। तो यहाँ पे स्टॉल लगा है बिहार सरकार के द्वारा, हम लोग को ड्यूटी लगा हुआ है, मैंने आपका NCC क्रेडिट है हम लोग। क्या है NCC क्रेडिट? हाँ, हम लोग रह चुके हैं NCC क्रेडिट। हाँ भाई साहब, NCC कैडेट हैं और यहाँ पे ड्यूटी में लगे हुए हैं, और बाल विवाह को कैसे रोका जाए उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि यहाँ पे महिला एवं बाल विकास के लिए जो है प्रदर्शनी लगा हुआ है स्टॉल, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे महिलाएं जो है वो स्टॉल पे कम हैं लगभग? यहाँ पे पूर्ण रूप से महिलाएं अगर रहती तो और अच्छा होता। देखिए, कितना है महिलाएं अभी थोड़ा गए हैं, महिला थी अभी जेंट्स महिला लोग गए हुए हैं लंच करने के लिए बाहर, इस दुकान में होटल है बगल में, खाना खाने के लिए गए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बाल विवाह के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है? बाल विवाह के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि बाल विवाह को कैसे रोका जाए। अच्छा, पकड़ुआ विवाह के बारे में क्या सोचना चाहते? पकड़ुआ विवाह तो भैया हम नहीं बता, उसको भी रोका जाए क्योंकि उसमें भी जानकारी दिया जा रहा है कि देश को कैसे जागरूक किया जाए। बाल विवाह हो जा रहा है मतलब आपको 14-15 साल पे हो जा रहा है बाल विवाह। बाल विवाह 15-14 साल पे नहीं होना चाहिए। उम्र है लड़की लोग का 28 साल पे, लड़का का 21 साल पे होना चाहिए शादी। लड़की का कितने पे? 18 साल पे। आपको मालूम है कि 21 साल हो गया है लड़कियों के लिए भी? लड़कियों लोग के नहीं मालूम है भैया, मगर यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है तो उसके बारे में हम जानकारी रखिए। 21 साल हो चुका है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। सर, आपके यहाँ पे महिलाएं लोग कम हैं आपके स्टॉल पे, और सच पूछिए तो महिला बाल विकास मंत्रालय महिलाओं को ही दिया जाना चाहिए, वो भी नहीं है।
फिर उम्मीद ही क्या करें कि स्टॉल पे महिलाएं ही हों। और इस विभाग क्या कहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ महिला नहीं है, यहाँ पे महिला नहीं है, वहाँ पे महिला नहीं है, यहाँ गई हैं, अभी इधर गई हैं। और फिर यहाँ पे बाल विवाह के बारे में बताना महिलाओं का काम था, वहाँ पे भी नहीं है सर। अच्छा, कहाँ नहीं है, कहाँ है आपको डिस्प्ले हो रहा है ना जी? अरे सर, वॉलंटियर कोई नहीं है ना महिला, महिला रहना चाहिए। देखिए, महिला एवं बाल विकास निगम का जो प्रदर्शनी लगा है वहाँ पे हैं हम, और यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? गया जिला से। क्या क्या दिखा रही हैं यहाँ पे, क्या क्या है आपके पास? मूर्ति रख रहे हैं। मूर्ति है, और ये क्या है, मतलब किस कार्य में आता है? मसाला वसाला छोटा छोटा, और ये सारे पत्थर का है यहाँ पे? अच्छा, ये तो लकड़ी की प्रतिमा है यहाँ पे और पत्थर के मूर्ति में। इसका कॉस्ट क्या होगा? 2000 पड़ेगा। 2000, और लकड़ी वाले का? सब पर अलग अलग प्राइस है, इंच के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा, आप लोग बनाते हैं इसको? जी। अच्छा, तो इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है, इसके बारे में बताइएगा। मेहनत तो हम बनाते हैं, तो घसती है सर। घसती है, दोनों आदमी मिलकर कार्य करते हैं? जी। हस्बैंड वाइफ करते हैं? जी, हस्बैंड वाइफ है जी। चलिए, तो आप प्रदर्शनी में आए हैं, आपके महिला एवं बाल विकास के तरफ से दोनों आदमी, तो इस मेला में आपको क्या अच्छा लगा? आप ही बताइए। जैसे यहाँ पे प्रदर्शनी लगाकर आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ सुंदरता वो अच्छी लग रही है, जो हरियर क्षेत्र का जो होती है प्रतिमा है। गया जिले में कहाँ से हैं? गया जिला हो गया, किजरसा निमचक बथाने हम लोग प्रखंड पड़ता। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? जी, धनेश्वर कुमार। धनेश्वर कुमार जी, धनेश्वर कुमार हैं, और ये मूर्तिकार हैं और मूर्ति की कलाकृति करते हैं। हम लकड़ियों के बारे में भी अच्छा सा सुंदर सा मूर्ति बनाए हुए हैं लकड़ियों का भी, यानी कि ये जो है स्टोन आर्टिस्ट के साथ साथ वुडन आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं लोग, और इंच के भाव से, ये भी लकड़ी वाला भी इंच के भाव से हम, और पत्थर वाला भी। अच्छा, चलिए, तो ये इनका कला है, गया जिले से यानी कि सुदूर क्षेत्र से आने के बावजूद भी ये लोग एक अच्छी कलाकृति यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और आइए, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक और यहाँ पे नमूना देखते हैं बगल में, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। हटेगा सर, महिला एवं बाल विकास के तरफ से यहाँ पे जो एक बोल सकते हैं कलाकृति यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बांस का है सर, बांस का कप है, यानी कि लकड़ी के आर्टिस्ट इनको बोल सकते हैं कि लकड़ी बनाने वाले कलाकार, यानी लकड़ियों से आर्ट एंड क्राफ्ट का ये लोग मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अच्छा, क्या क्या है सर आपके पास? जैसे कि अभी पेन स्टैंड हो गया और मैगजीन होल्डर हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत सारा आइटम है, बहुत सारा आइटम है। किस रेंज से किस रेंज तक है, यानी कि सबसे कम दाम का सामान आपके पास क्या है? 50 से स्टार्टिंग। 50 से क्या है? 50 का, 50 का वो कछुआ आएगा, लकड़ी का 50 का, ये पेन स्टैंड आएगा। अच्छा, पेन स्टैंड, और सबसे महंगा? उसके बाद ये 250 का लैंप आएगा। लैंप है फिलहाल में, यही सब आएगा। अच्छा अच्छा, और पीछे जो है? और ये मैगजीन होल्डर है 200 का, और गणेश जी बड़ा वाला भी है 300 का मैगजीन। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी 110 का। आप लोग खुद से बनाते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो रवि कुमार कौशल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? पटना से हैं। पटना से हैं, और गांव प्रखंड कौन सा आपका? प्रखंड कौन सा है? प्रखंड नौबतपुर पड़ता है। नौबतपुर प्रखंड से आए भाई साहब, और ये लकड़ी के कलाकार हैं, और लकड़ी से काफ़ी अच्छे अच्छे सामानों को इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं, ये है आपका झोंपड़ी नुमा है, क्या है? बॉक्स है ना, और बॉक्स है, और यहाँ पे बहुत सारे इनके कलाकृति आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों से हमको उम्मीद है, एक बार फिर आह्वान करते हैं सबका कि आप लोग आइए सोनपुर मेला में, और आर्ट और कल्चर के इस महाकुंभ को देखिए एक बार। एशिया के पशु मेला होने के बावजूद भी यहाँ पे कला के क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं, और सुदूर क्षेत्र से आए हैं बिहार के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम अनिता कुमारी। कहाँ से आई हैं? मैं जिला वैशाली से हूँ। वैशाली से आई हैं। अच्छा, क्या क्या बेच रही हैं? मैं अपना उत्पादन मक्का है, देहाती अश्वगंधा है, गोधन का फूल है, ये मेरा अश्वगंधा का बीज है। अच्छा, एक गेंदा का फूल है, एक गोधन का फूल है,
ये अश्वगंधा का पत्ता है जिसमें चाय में पिया जाता है। अच्छा, बहुत टॉनिक होती बूटी है, जड़ी बूटी है। ये पालक का बीज है, ये पालक का बीज है, बरमसिया कद्दू है, नेनुआ है, ये लाल साग है, ये धनिया है, मूली है, और ये मक्का जो है अपना उत्पादन है। ये जो रखी है झिंगनी, क्या बोलते हैं उसको, तरुई, इसका है नेनुआ। नेनुआ अभी नेनुआ है, पुराना अपना घरेलू म्यूचुअल अपना हुआ, और कहावत है कि विदेशी भागाओ अपना देशी अपनाओ, इसलिए मैं इसका ट्रेनिंग भी की हूँ, सामान भी बनाई हूँ, तो मैं इसका अपने प्रचार में लाई हूँ और बिक्री भी कर देती हूँ। इसका क्या उपयोग है मैडम? इससे साबुन लगा के देहाती मास के यहाँ मालिश कर दीजिए, पूरा साफ हो गया। उसके बाद इसको आप इसको बर्तन भी मैच सकते हैं। आप जो रेडीमेड जो खरीदते हैं, हमने जो खरीदते हैं उसको हम लोग अपना यूज कर, घरेलू यूज होगा। ये अपना उत्पादन कीजिए, अपना अपने आत्मनिर्भर हमारी महिला कुटीर उद्योग है। हमारे सरकार के आदेश है कि हमारी महिला अपने आप पर आत्मनिर्भर कैसे बनेगी, इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत उपाय बताए हैं। शिवानी कुटीर उद्योग के तरफ से सर, कहाँ है आपका, कहाँ है आपका शिवानी कुटीर उद्योग? पटना। पटना से भाई साहब अचार वगैरह रखे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे महिला बाल विकास से जुड़ा हुआ भी स्लोगन दिया गया है। हालांकि कुछ देर पहले एक इसी विभाग के अधिकारी थे, वो बोल रहे थे कि हर एक स्टॉल पे महिलाएं हैं, लेकिन आप देख चुके हैं कि महिला एवं बाल विकास का जो है, महिला एवं बाल विकास निगम यानी जो ये विभाग है, मदन सहनी जी जिसके मंत्री हैं, आप इनके प्रदर्शनी के स्टॉल पे देख चुके हैं कि कितनी परसेंट महिलाएं हैं, कितनी होनी चाहिए और क्या क्या उपयोगी चीज़ें हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार रहेगा महिला एवं बाल विकास के प्रदर्शनी से, सोनपुर से। जय हिंद, जय भारत।